एक्सेल आरआई की ओर से आयोजित छात्रों के सेमिनार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा शामिल हुए। मंत्री ने बच्चों के सभी जिज्ञासाओं का बखूबी उत्तर दिया। मौका था एक्सेल आरआई की ओर से आयोजित सेमिनार का, विषय था भारत की उन्नति में छात्रों का योगदान। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा शामिल हुए। शहर के विभिन्न स्कूलों से छात्र इस सेमिनार में शामिल हुए और अपनी मन की बात और प्रश्नों को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा। इस दौरान बच्चों के सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी मंत्री जी ने देकर छात्रों की जिज्ञासा पर खरा उतरने का प्रयास किया। It has been a rare honor and privilege to be able to spend time with young friends and engage with them in interactive sessions. But they have been friends interactive sessions. They have been town halls. And when I do town halls, I don't do them behind a lectern and I don't do them from the stage. Was to actually speak for a few minutes, maybe 20 or 25 minutes, on some important themes that I think will be of interest to do that. But then it could be 30 or 35 minutes, 40 minutes, however long you want, and to address your questions and to engage with you on those issues. Is that a deal? Can you do that? Will that work for you? सिद्धकोड़ा स्थित टाउन हॉल में भाजपा के कार्य समिति की बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सम्मेलन में शामिल हुए। सिद्धकोड़ा स्थित टाउन हॉल में भाजपा के कार्य समिति की बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, सांसद विद्युत वरण महतो, जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार समेत वरीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, चुनावी रणनीति समेत केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। अभी हमने इसको रामगढ़ में किया, अपने ही क्षेत्र में हजारीबाग की कार्य समिति की बैठक 19 तारीख को हुई और आज 20 तारीख को यहाँ जमशेदपुर में हो रही है। हर कार्य समिति की बैठक में झारखंड के एक जा रहे हैं, जैसे हम जमशेदपुर आए हैं उसी तरीके से हजारीबाग में रविंदर राय जी हैं, रामगढ़ में जब हम लोगों ने किया तो वहां नित्य साहू जी आए थे। तो हमारी कोशिश है कि इस तरीके से हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हों, उनकी बातें सुने, जो जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे आज के समय केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की जाए और जो आगे के समय जो हम लोगों के प्लान्स हैं और किस तरीके से हम लोग संगठन को और दुरुस्त बनाना चाहते हैं। जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में आगामी 23 से 25 जनवरी तक टाटा स्टील द्वारा वार्ता नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। कृषि सम्मेलन में कोल्हान के तीनों जिले से किसान हिस्सा लेंगे। लगभग 600 किसानों का जुटान इस दौरान होगा। मुख्य रूप से इस वार्ता में किसानों को वर्तमान समय में कृषि व्यवसाय में आ रही दिक्कतों पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। वैसे टाटा स्टील की तरफ से इसमें कृषि से जुड़े कई वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस वार्ता में कृषि विज्ञान से जुड़े हर एक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित किसानों की माने तो वर्तमान समय में किसानों को उपज के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुणवत्ता नहीं होने के कारण इनकी कृषि बेकार हो जाती है। पूरे एरिया में और उस क्षमता को कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि हमारे फार्मर्स किसान भाई जो है वो उनका पूरा बेनिफिट उठा सके, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए 3 साल पहले पूरा प्रोग्राम चालू किया गया, क्योंकि हमारे बहुत फार्मर्स ऐसे हैं जिनको लेटेस्ट प्रोसेस, लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता नहीं चल पाता। तो 1.5 दिन के फंक्शन में सारे मुद्दे, सारे नए चीज हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो जो चीज असेसमेंट करके हम लोग देखते हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग खेती कर लेते हैं पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं का फेंका जा रहा है। आज के दिन में खेती के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रशासन के आदेश को धत्ता बताते हुए कुछ दबंग व्यवसायियों द्वारा साक्षी बाजार के फुटपाथों पर दुकान लगाया जा रहा है। इसके विरोध में आज प्रशासन ने सख्ती बरती और इन दुकानों को बलपूर्वक हटा दिया। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए साक्षी बाजार के फुटपाथों पर दबंगों द्वारा दुकान लगाया जा रहा था।
ये सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। आज प्रशासन ने साची बाजार में इन दुकानदारों को हटा दिया। कल ही मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाने की बातें कहते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। वहीं आज पुलिस के जवानों ने जब बाजार का जायजा लिया तो पाया कि बदस्तूर व्यापारी आराम से बाजार के फुटपाथों को घेर कर दुकान लगा रहे थे। हम लोग को सूचना मिली थी कि अभी भी अवैध अतिक्रमण करके मंगलाहाट या अन्य तरह का फुटपाथ मार्केट लग रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। उसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाकर इस अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया तथा जो भी हम लोग का मार्केट का टीओपी है उसके पदाधिकारी एवं सिपाहियों को साथ में इंस्पेक्टर साक्षी तथा ट्रैफिक थानेदार को भी निर्देशित किया गया कि आपसे जो भी अतिक्रमण हटाया गया पुनः नहीं लगे। इसके लिए हम लोग एक टीम बना रहे हैं जिसमें ट्रैफिक थानेदार उसके नेतृत्व करेंगे, साथ ही टीओपी के जवान साक्षी थाना प्रभारी के अलावा ट्रैफिक थानेदार को भी रिपोर्ट करेंगे और जो भी आपसे सामान लगाएगा उसको कंटिन्यू हम लोग जब्ती कर करके उनका फाइन कटवाएंगे तथा थाना लाएंगे तथा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सड़क हादसे में मृत कर्मचारी किशोर कुजूर के परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर शुक्रवार को गोलमुरी थाने में घंटों बवाल काटा। गोलमुरी थाना परिसर में ही बीती रात किशोर कुजूर नामक एक मिस्त्री सड़क हादसे का शिकार हो गया था। घायलावस्था में उसे पुलिस ने इमशियम अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार की सुबह उसकी मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने गोलमुरी थाने में जमकर बवाल किया। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े थे। काफी देर तक जहां हंगामा चलता रहा, पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद परिजन शांत हुए। आज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ तो अभी एमजीएम में उसका लाश है और उसका ये हो रहा है क्या पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोग चाह रहे कि जो गाड़ी धक्का मारा है उसका जो फुटेज है, फुटेज से उसको गाड़ी को पकड़ा जाए और इस गरीब परिवार, चार तो बच्चा इसका गोदी में 2 महीने का बच्चा भी है, इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा उसका तरफ से दिया जाए, सरकार का तरफ से इसको उचित मुआवजा दिया जाए।